अभी हो ही गया। और अभी अभी मैं दिखाती हूँ आपको एल्बम। तो गाइज ये है हमारी एल्बम, ये देखिए। तो ये मतलब ये गाइज क्या है कि ये बैग है, इसको हम कहीं भी उठा सकते हैं ऐसे। तो इसके अंदर है गाइज ये वाली एल्बम जो है, ये वाली। तो इसको हम साइड में रख देते हैं पहले ना, फिर गाइज हम दिखाते हैं आपको फर्स्ट पेज का फर्स्ट फोटो। तो ये देखिए गाइज, ये मेरा भाई और ये मेरी भाभी, ये देखिए ऐसे 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 पंकज। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी नया आएंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और लाइक करके जाइएगा। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत बड़े यूट्यूबर बनना है हमें, तो आपके सपोर्ट के बिना वो अधूरा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। तो गाइज, आज का ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं सुबह ही कर रही हूँ, 8:30 बजे हुए हैं। तो हमने जो है नाश्ता कुछ भी नहीं किया है गाइज, आज तो भूखे हैं हम। तो गाइज मतलब अभी जो है खाना ही खाने वाले, सीधा खा मतलब लंच ही करने वाले हैं। तो पापा चले गए हैं ड्यूटी। और दोस्तों, आपका बहुत दिनों से मन जो है वो बेताब हो रहा होगा ना, कि आपने जो है कमेंट किया हुआ था ना दोस्तों कि दीदी आपने भाई की शादी तो हो गई लेकिन एल्बम आ गई है, बता दिया है आपने लेकिन बताई नहीं है। तो गाइज, आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको जो है शादी की एल्बम दिखाने वाली हूँ, तो जाइए मत कहीं भी, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले कर देते हैं हम पप्पा कर लेते हैं, क्योंकि अभी गाइज हमने जो है वो ड्रेस चेंज कर दिया है। मतलब आज पंजाबी सूट पहन लिया है हमने, कल तो हमने नायरा पहना हुआ था, तो नायरा खोल दिया अभी और नहा धो के आ गए हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम पप्पा। वैसे तो पप्पा जी ने पप्पा कर लिया है, ये देखिए घंटी। तो पप्पा जी भगवान जी है, हमारे कुलदेवी है गाइज, छत्रभुजा माता जी, और बहुत सारे भगवान है गाइज। ये देखिए इसे जाफा मारते हैं, मोरपंख बोलते हैं ना इसका गाइज। तो भगवान के पास होना चाहिए क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मोरपंख जो है। तो गाइज ये तो हो गए हमारे भगवान। और फिर जो है वो अभी एल्बम भी दिखा देते, मतलब सिर्फ हम बाहर का दिखा देते हैं क्योंकि हमें खाना खाना है ना गाइज, तो उठा ही नहीं जा रही है। गाइज ये हमारी एल्बम है, ये देखिए फौजी साहब। मुझे सामने भी नहीं देखी हुई है गाइज अभी तक ना, क्योंकि वो चले गए हैं ड्यूटी। तो फिर जो है एल्बम लेट आई, तो फिर वो बोलते कि जब आएंगे तभी देखेंगे हम जो है एल्बम। तो गाइज मैंने इधर रख दिया है सोफे में निकाल के, इतनी भारी है गाइज, बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ मैं भी इसको। तो गाइज अभी मैं ना खाना पीना खा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ और फिर दिखाती हूँ आप सभी को एल्बम। तो एल्बम में मैंने तो देख लिया गाइज, लेकिन आपके साथ बताना ज़रूरी है, और क्योंकि बहुत अच्छी आई है। और गाइज जो है ना वीडियो भी आई है, बहुत सुंदर सी वीडियो भी, वीडियो शूट भी किया हुआ है, तो ड्रोन से किया हुआ है गाइज। तो इतनी सुंदर सुंदर आई है ना, इतने अच्छे अच्छे गाने भरे हुए हैं। तो गाइज एक दिन मैं एल्बम दिखा देती हूँ आप सभी को। तो अंशु सोई थी गाइज देर टाइम तक, तो मतलब वो उठी है, अभी उठी है, जस्ट 5-10 मिनट हुआ। तो अभी तक मैंने उसका ब्लैंकेट वगैरह कुछ फोल्ड नहीं किया हुआ है, तो करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले लग रही है हमको इधर बहुत ज़्यादा भूख, तो सबसे पहले खाएंगे हम खाना। तो खाने में क्या बनाया कुछ पता नहीं है। तो आज हमारे दादी भी आए हुए हैं, तो एल्बम को देखने के लिए जो है ना गाइज आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल्बम जो है ना बहुत बड़ी है, मतलब बहुत सारे फोटो है उसमें शादी के, तो वो मैं बताती चलूँगी आप सभी को जो है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय थोड़ी देर के लिए, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ। गाइज मैं खा बैठी खाना अभी, तो अभी चलते हैं हम नीचे वाले रूम में। अम्मा सा देखा गाइस, मैंने स्टैंड भी ले लिया है अपना फोन का। मम्मी बहुत शरारती है गाइस, वो मेरे पीछे पीछे आ गई, क्योंकि इधर सीढ़ियां है ना, तो उससे डर लगता है उसको गिरने का। तो चलते हैं अभी हम हॉल में, मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाया खाना आज ना, भूख तो बड़ी जोर की लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं गाइस मतलब जितनी भूख लगती है उतना बंद ही हो जाती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लाइट को ऑन, क्योंकि लाइट जो है लाइट ऑन नहीं है, और दरवाजे की पड़ी हुई है थोड़ी सी लाइट, तो सभी बटन ऑन कर देती हूँ मैं आज, तभी अच्छे से दिखेगा। तो पहले हम ना फ़ोन को अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं।
और इसमें लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो कहाँ बैठे हम? इधर ही बैठते हैं, इधर ही एल्बम तो इधर ही बैठते हैं। तो आइए देखिएगा दोस्तों एल्बम। तो गाइस सबसे पहले मैं कर लेती हूँ इस ब्लैंकेट को फोल्ड। बड़ी अच्छे तरीके से माना जो मोबाइल को सेट कर लिया है। बहुत प्रॉब्लम आ रहा था गाइस, क्योंकि ये नया स्टैंड है ना फोन का, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था मुझे जोड़ने के लिए। जो है थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसका जो है लूज हो जाता है, जैसे हम फोन फंसाते हैं ना उसमें, तो वो थोड़ा लूज हो जाता है मेरे से वो, क्योंकि वो पेचकस से जो है वो फिट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो जाने दो, अभी हो ही गया, मतलब सेट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेती हूँ मैं ब्लैंकेट फोल्ड, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये फोल्ड करने के बाद जो है आपको स्टार्ट कर दूंगी मैं एल्बम जो है दोस्तों। तो इसमें सोई थी मेरी गुड़िया, तो ऐसे ऐसे कर देंगे इसको फटक फटक से फोल्ड। और गाइस अभी भी हम ना ब्लैंकेट लेते हैं, क्योंकि इधर हिमाचल में जो है ना ठंड है, और शाम को ठंड हो जाती है, दिन को तो गर्मी होती है अच्छे तरीके से, लेकिन शाम को जो है मैं तो दो ब्लैंकेट लेती हूँ कभी कभी गाइस। तो मम्मी ने तो एक ही लिया था क्योंकि सुबह हो गई थी, तो अभी इधर रख देते हैं हम साइड में ना, और बेडशीट को कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड, कम से कम अच्छी तो दिखेगी। गाइस कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा आलस आता है मतलब सफाई करने का, और कभी कभी मन ऐसा करता है कि बस करती रहो सफाई। तो ये तो होगी, हाँ चूंकि दूध की बोतल भी इधर ही है, तो ये चेयर बटन किस लिए लाई थी, तो ये भी साइड में कर लेती हूँ मैं। तो गाइस अभी हो ही गया, और अभी अभी मैं दिखाती हूँ आपको एल्बम। तो गाइज ये है हमारी एल्बम, ये देखिए। तो ये मतलब ये गाइज क्या है कि ये बैग है, इसको हम कहीं भी उठा सकते हैं ऐसे। तो इसके अंदर है गाइज ये वाली एल्बम जो है, ये वाली, तो इसको हम साइड में रख देते हैं पहले ना। फिर गाइज हम दिखाते हैं आपको फर्स्ट पेज का फर्स्ट फोटो। तो ये देखिए गाइज, ये मेरा भाई और ये मेरी भाभी, ये देखिए ऐसे 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 पंकज और पूना। गाइस बहुत ज्यादा भारी है, और गाइस मेरे सूट के साथ मैच हो गया ये वाला कलर है ना, तो गाइस बहुत याद आती है। मेरे भाई के भाई चला गया है ड्यूटी, तो देखिए। तो गाइस ये जो सिरप है ना वो ना, ये मेरी पसंद का है। तो चलो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ आपको दिखाना। तो गाइज ऐसे तो हो नहीं हो पाएगा, तो मैं जो हूँ अभी फोन का स्टैंड जो है नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है और कंधे में दर्द हो रहा है मुझे। तो चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो गाइज अभी मैंने फर्श में रख दिया एल्बम को ना, फिर अभी अच्छे से दिख रही है। तो इसमें लिखा हुआ है वेडिंग सेरेमनी ऑन 14 फरवरी 2024 पंकज वर्स पूनम। तो देखिए गाइज अभी स्टार्ट कर देते हैं हम, ओपन कर देते हैं इसको। तो गाइज फर्स्ट पेज जो है वो खाली है, फिर आता है फूल। वाह 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 वाह, स्वीट मॉम मेमोरीज। तो गाइज इधर से स्टार्ट कर देते हैं हम, लाइटिंग ना पड़े नहीं तो फिर अच्छे से नहीं दिखेंगे आपको। तो मैं इसे पकड़ लेती हूँ पहले इसको, ये पकड़े नहीं जा रहे ऐसे, तो ऐसे दिखेगा गाइज आपको। ये देखिए हमारी भाभी, बहुत सुंदर से फोटो, सबसे फ्रंट में जो दुल्हा दुल्हन के फोटो है गाइस, ये देखिए। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो गाइस, तो प्लीज बने रहिएगा, देखिएगा हिमाचली मतलब जो शादी है वो कैसे होती है। तो इसमें पूरे रीति रिवाज बताए हुए हैं। ये मेरा भाई है, क्यूट सा मुच्छो वाला। अरे देखिए गाइस इधर से, साथ साथ में लाइटिंग लाइट भी पड़ रही है गाइस, ये देखिए। तो अभी चलते हैं हम आगे, आगे वाला पेज। तो इधर भी भाई भाभी है, ये देखिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं गाइस। इधर बना हुआ है हार्ट, ये देखिए। ये मेरा भाई घड़ी देख रहा है अपनी, दुल्ले साहब। गाइज गाइज आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो गाइज ये है मेरी महाराष्ट्र फैमिली, उनका स्वागत जो है बहुत जोरों शोरों से किया हुआ है। तो गाइज ये मेरे ससुर जी है और पप्पा जी है, देख सकते हैं। तो पीछे मेरे जेठ है, और फर्स्ट मिलनी जो है वो गाइज हिमाचल में ऐसी होती है, जैसे पहली बार आते हैं ना गाइज, तो मतलब शादी के लिए आए हैं, तो उनको बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है।
और इधर जो है गाइज ये मेरे भाई और जेठ जी है, मतलब दुल्ला साहब और मेरे जेठ। तो गाइज ये फोटो है, और गाइज ये देखिए ये मेरे सासू माँ है गाइज, जिनको तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे क्योंकि मैं ब्लॉग डालती रहती तो साथ साथ में आते ही हैं ब्लॉग में। और गाइज ये मेरे मामी सास आए हुए थे, तो उनको जो है ना गाइज ये वाली शॉल दिया हुआ था मम्मी ने, ऐसे शॉल दिए हुए थे। अब हिमाचल का रिवाज है तो गाइज उसमें शॉल देते हैं मेहमान को जो नए, मतलब पहली बार आते हैं शादी में, मेरे मामी सास से दूसरे। और ये मेरे जेठानी है गाइज, ये भी ये देखे होंगे आपने ब्लॉग में। तो गाइज फिर आ जाते हम इधर, तो इधर से गाइज जो है शादी का शुरू हो गया। तो गाइज इधर पप्पा को पहना रहा है दुल्ला साहब जो है कैप, तो गाइज इधर हिमाचल में ऐसा ही करते हैं, तो इधर कैप पहनाई हुई है। और गाइज ये देख सकते हैं ये फौजी साहब है, मेरे फौजी साहब, लेकिन गोलू मोलू आए ना गाइज। देखिए इधर भी मेरे भाई को भी कैप पहनाई हुई है। तो ये तो हो गया गाइज मतलब कैप बनाने की रस्म। तो फिर गाइज इधर जो है, इधर मेरे अंशु, ये मेरे पापा जी है, मम्मी जी है, भाई है, मेरी बेटी, और ये आप जानती होंगे कौन है, अनुराधा अन्नू है गाइज। तो इधर गाइज मेरे जर्जी को कपड़े दिए हैं, मतलब जब शादी में आते हैं तो जब मतलब आते हैं ना मेहमान तो उनको कपड़े दिए जाते हैं, तो कपड़े देते हैं, तो उनको कपड़े दिए हुए हैं। और इधर पप्पा ने पहनाई हुई है कैप, ये देखिए दुल्ले साहब को। तो गाइज जी जो ये देख रहे होंगे ना आप, ये वाला मतलब कैप में, तो गाइज ये चांदी का होता है, मेरे फौजी साहब के पास भी है, देखिए लगाई हुई है फौजी साहब ने। और इधर आ गई मेरी जेठानी जी, हमारी जेठानी जी को सूट दिया हुआ मेरे भाई ने शादी में। तो गाइज ये देखिए इधर से स्टार्ट हो गया अभी। तो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले बोल के रखा हुआ एल्बम बहुत बड़ी है, तो बाद बाद में तो बहुत ज़्यादा मेरी फोटो है, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो ये मम्मी पापा है, इधर जो है गाइस कथा दी हुई है मम्मी पापा ने, मतलब पूजा करते हैं जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो वैसे वैसी होती है ये पूजा। तो ये पानी का दे रहे हैं तुलसी को, तुलसी है गाइस ये गमले में, तुलसी माता। तो ये मेरे मामू जी है गाइस, ये देखिए आ गए मामू जी, तो इनका भी चल रहा है पंडित, कुछ कुछ काम करवा रहे थे वो, तो मुझे नहीं पता क्या करवा रहे थे। और इधर मैं और अंशु के मामू मतलब दुल्ले साहब। तो गाइज आगे जो है वो हल्दी की रस्म स्टार्ट होगी। तो ये देखिए गाइज ये है मेरी बहन है, चाचा की लड़की है गाइज, और दुल्ले साहब को हल्दी लग चुकी है गाइज। तो ऐसी लगती है हिमाचल में हल्दी जो है दुल्ले को, तो सबसे पहले लगाती है बहन, फिर आगे गाइज मैं आगे। इधर देखिए गाइज मैं कैसी लग रही थी, मतलब अभी मैं थोड़ा पतली हो गई गाइज, पहले बहुत गब्बू गब्बू हो गई थी भाई की शादी के लिए। और मेरे फौजी साहब ने भी येल्लो कुर्ता पहना हुआ और भाई ने भी, तो हमने हल्दी का कटोरा लिया हुआ था, तो हल्दी लगा रहे थे भाई को। तो ये मेरे चाची है मतलब गाँव के हैं, और ये मेरे मम्मा आ गए इधर गाइज, मम्मा ने पहनी हुई है पहाड़ी नाथ हिमाचली नाथ जो है, तो माँ लगा रही थी। और इधर जो है गाँव के है गाइज ये रिश्तेदार, तो इधर देख सकते हैं गाइज ये आ गए मम्मी और पापा। और ये गाइज सिमरन है इसका नाम, ये भी मेरे चाचा की लड़की है। और गाइज इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर मैं भी आ गई, मैं तो हर जगह छिपी हुई हूँ गाइज। ये मेरे मासी के बेटे हैं, बेटी है अंजू दीदी, बड़े हैं। और ये देखिए नाना नानी है हमारे बेचारे, बहुत क्यूटी से नाना नानी है। तो नाना तो बोलते थे हम पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे हमारे पंकू की शादी के लिए, लेकिन गाइज भगवान ने साथ दे दिया। वो इस दिन ना बीमार हो गए थे गाइज मेरे नाना जो है। तो चलिए गाइज अभी करते हैं हम अगला पेज। तो ये मेरे दादा दादी है गाइज, तो ये भी, और मेरी रियल दादी ये है गाइज, ये वाले हैं रियल दादी मेरे, ये देखें। और इसमें आ गए हैं मेरे जेठ जेठानी भी, हल्दी लगा रहे हैं अपने भाई को क्योंकि मेरा भाई तो उनका भी भाई। तो गाइज ये देखिए मेरे मामी सास आए हुए थे ना, मेरे मामी सास भी लगा रहे हैं हल्दी, शाइनिंग पड़ रही है ऐसे थोड़ी सी लाइट की। तो गाइज देखिए हाथ भर दिए थे मेरे भाई की, ये देखिए। तो गाइज इतने दूर से आए थे महाराष्ट्र से, पुणे से मेरी फैमिली। तो ये देखिए इधर जो है मेरे सासू माँ है और ससुर जी, सब हल्दी लगा रहे हैं, हल्दी की रस्म है। ये मेरे चाचा और चाची जी है गाइज, उनका बेटा है। मेरे बुआ जी हैं, ये देखिए बुआ, और ये बुआ का बेटा है। और ये आगे हमारे दुल्ला साहब, हंस रहा था, स्माइल दे रहा था दुल्ला। तो इधर मामू हो गए,
ये मामू लगा रहे हैं हल्दी। तो गाइज ये जो हल्दी लिखा हुआ है ना पीछे, सारा जो है डेकोरेशन मैंने खुद ही किया हुआ है। गाइज अंशु के सॉक्स भी आए हुए हैं मामा के साथ साथ में, देखिए। तो इधर गाइज चांद बोलते हैं हम, मतलब क्या होता है गाइज हिमाचल में जो है, मतलब जैसे दूल्हा होता है, दूल्हा बैठा है तो उसके सर में जो तेल डालना पड़ता है, जो घर की फैमिली होती है वो डालते हैं तेल। तो इधर भी वही फोटो है, मेरे चाचू जी है, मम्मी, दादी, मम्मी, सब सब आ गए। और इधर जो है, इधर आ गए मम्मी पापा। पापा भी क्यूट लग रहे हैं पाड़ी कैप के साथ। तो गाइज इधर भी मम्मी पापा है, और इधर मेरे चाची, चाची, चाचू जी और मेरे फौजी साहब भी है। गाइज गाइज लाइट चली गई तो ये है। और गाइज इधर देखिए, इधर मेरी जेठानी जी जेठ आ गए फिर से, और इधर नानी आ गई, और इधर मामिया। हल्दी और तेल, मतलब बार बार फोटो वही होते हैं गाइज। आगे आएगा फोटो देखने का मजा गाइज। देखिए मेरी सास सुमा और मैं हूँ, और ये क्या फैमिली फ़ोटो वगैरह है, मतलब ऊपर जो लिए हुए सारे इकट्ठा। और ये आ गए हमारे दुल्ले साहब, अभी हो गई हल्दी गाइज। तो आगे जो है ना गाइज, वो ये मामा मामी है गाइज, वो मैंगो की लकड़ी वगैरह होती है हवन के लिए, वो जो मामा के हाथ की लगती है गाइज, तो माम ऐसे कुछ रिवाज है। और गाइज इधर आ गए, इधर गाइज पानी की पूजा करते हैं तो सेराबंदी से पहले, और इधर चल रहा है हवन, दुल्ले साहब हवन कर रहे हैं, वो हमारे पंडित बैठे हुए हैं धोती लगा के, और इधर दुल्ला कर रहा है हवन। तो गाइज इधर तो धुआं ही धुआं छोड़ा हुआ है, फोटो में भी आ गया। और गाइज इधर मैं भी आई हूँ, पीछे झलक दिख रही है मेरी भी। ये देखो गाइज फौजी साहब की मूछे ये मेरा इधर भी आया है गाइज। लाइट ही चली गई, मेरी बुआ बुआ है गाइज, ये मेरी रियल बुआ है, मेरे पापा की चाचा की लड़की है, इनको भी हम बुआ ही बोलते हैं। और इधर जो है गाइज ये हवन कर रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली दिखाई हुई है थोड़े थोड़े करके ऐसे हवन हवन के। फिर गाइज ये देखिए, ये है हिमाचल के मुंडे। तो गाइज ये मेरे भाई के जो है वो फ्रेंड है आधे, और कुछ जो है वो हमारे गांव के हैं, और कुछ रिश्तेदार है गाइज, चाची चूची के लड़के हैं ये। और गाइज इधर हो रहा है हमारा डिनर। तो गाइज डिनर में देखिए क्या क्या बना हुआ था गाइज, आलू छोले बने हुए थे गाइज डिनर में। तो मामी को ठंड लग रही थी, क्योंकि गाइज शादी जो है वो फरवरी महीने में हुई थी, हिमाचल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो मामी ने भी जो है वो स्वेटर पहना, मेरी जेठानी ने भी, और मैंने नहीं पहना। मुझे तो भाई भाई की शादी थी तो हीरोइन बनना था ना मुझे, तो इसलिए मुझे जो है वो गर्मी लग रही थी। इधर जो है दूसरे फैमिली के, मतलब रिश्तेदार खा रहे हैं खाना, लड़के लड़कियाँ हैं तो दिया हुआ है। और गाइज इधर मम्मी और बिल्ला साहब खा रहा है खाना, मम्मी पापा और वो। तो गाइज ये तो हो गया हमारा डिनर। तो गाइज अभी हो गया डीजे में डांस डूंस शुरू। तो डीजे में डांस ये देखे गाइज, दुल्ले साहब को उठाया हुआ है बेचारे को। और गाइज फिर हो गई हमारी हल्दी तो होगी, अभी आ गया मेहंदी की रस्म। तो गाइज देखिए मेहंदी की रस्म मैंने सजाया, थैंक गॉड गाइज लाइट आ गई, क्योंकि लाइट के बिना जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो ये आ गया दुल्ला साहब अभी मेहंदी लेके, अभी दुल्ला साहब लगाएगा मेहंदी। तो गाइज इधर मम्मी पापा का फोटो भी निकाला हुआ है, ये देखिए डांस करते हुए। तो ये देखिए गाइज अभी लगा रहे हैं दुल्ले को मेहंदी। गाइज मैंने क्या किया, मैं भी लगा रही थी एक हाथ में ना, मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी मेहंदी, तो मुझे बहुत डांट रहे थे दीदी मजाक में डांट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गाइज ये आगे मेरी रियल मौसी है, बड़े वाले मौसी और मास्टर जी है, तो मेहंदी के साथ फोटो। और गाइज ये देखिए मेरे फौजी साहब भी आए हैं साथ में, गोल्लू मोल्लू, और अंशु है, और आई है मेरे सासू माँ है। तो गाइज अभी मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गई, तो इधर हमारा फोटो भी अलग से निकालो, क्योंकि मैं उधर पीछे नहीं आई थी ना गाइज। तो देखिए, और इधर जो है मेरी जेठानी और जेठ जी है, और हर्षल है मेरी जेठ का लड़का, और इधर मामी आ गई, और ये मम्मी और मैं डांस कर रही थी। गाइज मेरे डोले शोले तो देखियो आप, कितने डोले शोले लग रहे हैं, जैसे मैं जिम जाती हूँ है ना। और इधर मेरी जेठानी और गाइज मैंने इतना मज़ा लिया ना भाई की शादी के लिए, पूछो मत। मतलब चार चार बजे तक मैंने डांस किया था डीजे में। तो आ गए मम्मी पापा दुल्हे के, अरे मामी वगैरह है।
अभी तो डांस शुरू था, अभी मेहंदी के साथ साथ डांस भी स्टार्ट था बाहर। तो देखिए ये चल रही है उसकी मेहंदी। तो गाइज अभी जो है ना ये हो गया रात की, अभी होगी सुबह। गाइज इधर सुबह हो गई थी, गाइज कितने बज रहे थे, 4 बज रहे थे गाइज, और इतनी सुबह सुबह उठा दिया था मम्मी ने, क्योंकि 12 जाने का टाइम जो था ना गाइज बहुत जल्दी था, सुबह ही था, तो बहुत ज़्यादा विधियाँ होती है वो पूरी करनी पड़ती है, दूल्हे का मेकअप सेकअप वो सब करना पड़ता है। तो गाइज इधर जो है मैं सूट डाल के आ गई थी, मैंने सोचा ठंड है तो साड़ी किस लिए पहननी, रात को तो बड़ी साड़ी सूड़ी पहननी थी, तो इधर सूट डाल दिया था मैंने। और फिर जो है वो सब मुझे डांट रहे थे। तो गाइज ये थी कुछ रस्में पहाड़ी, मतलब दही वगैरह डालना पड़ता है दूल्हे के सर में, तो दूल्हे को जो है नहाना पड़ता है। गाइज ये देखिए बाहर कंबल कुंबल लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि गाइज इतनी ज़्यादा ठंड थी, सबने स्वेटर स्वेटर सब पहने हुए हैं। तो गाइज इधर बिरंडी बोलते हैं गाइज हम, तो ये आग सेक रहे थे। गाइज देखिए कितना फरवरी महीने में आग सेक रहे हैं, आग की अंगीठी भी चल रही है। तो ये बिरंडी होती है, मतलब जैसे गाइज मम्मी के भाई भाभी हो गए, वो मम्मी पापा को ड्रेस देंगे, सूट देंगे, पंजाबी सूट और पैंट शर्ट देंगे, और मम्मी पापा भी उनको वैसे ही करेंगे। तो मतलब आपस में लेन देन होता है ये सब भाई का। और फिर इधर जो है ये इधर मेन होता है गाइज, मतलब भाई को पगड़ी पहनाई जाती है शादी की। तो मतलब जैसे बारात चलती है ना, तो सबसे पहले भाई को आमंत्रण दिया जाता है, मतलब दूल्हे के मामा को। तो इधर फिर मेरे चाचा चाची को भी दिया हुआ है मामा मामी ने। तो ऐसे ऐसे कुछ रस्म रहते हैं, तो इधर वही चल रहा है, सूट नानी ने दिए हुए हैं। फिर गैस यही होते हैं, मतलब एल्बम ही रह जाती है यादगार जो है, क्योंकि मतलब उस टाइम जो है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने घर की शादी तो इतनी बिजी हो जाते हैं ना गाइज, मैं तो इतनी बिजी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं, बस ऐसा। ये मेरे मासी है गाइज, मासी दे रहे मम्मी को सूट, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था भी, इतना अच्छा भी मैं क्या बोलूँ। तो गाइज मुझे भी मामी ने जो है सुहागी दी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा था, उसमें सिंदूर वगैरह था और लिपस्टिक वगैरह थी। ये हो गई मम्मी। ए गाइज देखिए मेरे फौजी साहब कैसे आए हैं, लाइटिंग बढ़ रही है। ये देखिए मैं भी, मेरी जेठानी जेठ और मैं हूँ, और इधर हमारा अलग से निकाला हुआ गाइज देखिए। फौजी साहब ने जो है आज कोट पैंट डाल दिया। गाइज हमारी शादी का कोट पैंट नहीं है, तो अभी गब्बू गब्बू हो गए ना फौजी साहब। तो इधर दूल्हे को जो है मामा उठाते हैं गाइज, जैसी रस्म गाइज महाराष्ट्र में भी है, जब हमारी शादी उधर हुई है ना गाइज, तो मतलब फौजी साहब को उठाया हुआ था उनके मामा जी ने। तो इधर जो है गाइज उसने दिया लिया हुआ है मेरे भाई ने, तो अभी लेके जाएंगे उसको अंदर। फिर गाइज अभी इधर के कपड़े दिए जाएंगे भाई को, मतलब शेरवानी पहनने वाला है अभी भाई, तो उसके जीजू कुछ उसकी हेल्प करेंगे पहनाने में। तो ये कोट पैंट दिए हुए थे। और गाइज ये देखिए दुल्ला साहब तो तैयार हो गए हमारे इधर। ये देखिए गाइज हमने ही तैयार किया हुआ, तो दुल्ले साहब को गाइज इतनी सुंदर पगड़ी थी ना गाइज, ये पगड़ी ढूंढने के लिए मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी हूँ गाइज, मुझे बहुत अच्छी लगता है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और ये जो रिंग है ना गाइज ये बहुत प्यारे है गाइज, शाइनिंग मार रहे थे, मतलब इस फोटो में तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन जैसे उसको पहना रहे थे ना सब उसको ही देख रहे थे यार देखो दुल्ला साहब, क्योंकि मेरे भाई की हाइट जो है ना गाइज काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा था मेरा भाई। ये देखिए तो दुल्ला साहब जो है तैयार हो चुके हैं। तो फिर गाइज आगे क्या रस्म होती है, सेहराबंदी। तो गाइज ये देखिए सेहराबंदी जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा रिवाज है इसकी, सेहरा मतलब सेहरे के बिना जो दुल्हन के घर नहीं जाता है, दुल्हा जो है चेहरा नहीं दिखाता है। तो इधर जो है सेहराबंदी कर लिया था, मेरे सासू माँ भी आए, मेरी महाराष्ट्र फैमिली भी आई है साथ में। तो देखिए ये सेहराबंदी हो गई गाइज इधर। तो फिर जो है गाइज जो नोट रहते हैं, हार बोलते हैं हम ना गाइज, वो पहनाते हैं इधर, मतलब मामा की लड़की ने पहनाया हुआ था। तो इधर आ गए दूल्हे साहब को बाहर लेके आ गए थे आंगन में, देखिए गाइज ऐसे। फिर मम्मी पापा ने पहना दिया था हार, ये देखिए गाइज नोटों का हार, मतलब जी 100-100 के ही नोट थे, पता नहीं कितने हज़ारों का हार था ये, लेकिन अच्छा दिख रहा था। फिर गाइज अभी थोड़ी देर में जो है दुल्हन के घर में जाएंगे, मतलब जो जो हार पहनाते हैं, मतलब जैसे अपने मेन जो रिश्तेदार होते हैं ना गाइज, ये मेरे मास्टर जी हैं, भाई है, इधर मैंने भी पहनाया हुआ है गाइज, देखिए मेरे भाई को और चाचा के लड़के को, तो नाना नानी ने दिया हुआ है, और मेरी मासी की बेटी है गाइज, मतलब ऐसा कुछ चलता है, बुआ वगैरह हुआ सब जो है, तो वो पहनाते हैं। ये देखिए गाइज मतलब सब गिफ्ट देते हैं दूल्हे को, तो वो सब चल रहा है उनका।
और ये चल रहा है इधर सब कुछ गाइस। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो देखना मत भूलिएगा। ये देखिए इधर मामियाँ हो गई मेरी, बुआ हो गए, मम्मी को दे रहे थे। और ये गाइस देखिए दुल्हे साहब के साथ लिया हुआ, मेरे चाचा की लड़की है और भाई की लड़की है एक। और इधर भी बुआ आ गए, बुआ आ गए, ये भी बुआ है। इधर मैं आ गई गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस कितना अच्छा लगता है ना गाइस, कितना याद आती है ना। ये देखिए अभी चल पड़ेगी गाइस बारात दुल्हन के घर के लिए। तो हम देखिए गाइस मतलब उधर ले रहे थे फोटो, बाहर निकल गए थे घर से। तो गाइस ये देखिए दूल्हे की गाड़ी ऐसी सजी थी, मम्मी और चाची खड़े हुए आगे पूजा करने के लिए दूल्हे की। और इधर जो है गाइस दूल्हे का मेकअप हो गया, मामी करती है मेकअप। तो ये मम्मी पापा को फोटो लिया हुआ है दूल्हे की गाड़ी के पास। गाइस मेरा तो आया नहीं क्योंकि मैं जो ना वो अंदर बैठ गई थी। ये देखिए ये पप्पा जी है। और गाइस इधर देखिए ऐसा कुछ स्वागत था, ये देखिए। फिर इधर जो है वो साला साहब आ गए दूल्हे के। तो इधर मिलनी होती है गाइस, जैसे दुल्हन का पप्पा मेरे पापा मतलब दूल्हे का पप्पा, तो उनकी मिलनी होती है। जैसे मामा मामा हो गए दूल्हा दुल्हन के, चाचा चाचा हो गए इधर मामा मामा, क्योंकि दो मामा थे तो दो मामा की मिलन होता है। इधर देखिए गाइस मेरे फौजी साहब भी आए हुए हैं, मतलब इधर जीजा जीजा हो गए ऐसे। और ऐसे ऐसे रहती है कुछ मिलनी गाइस, जैसे मिलनी हो रही थी ये, तो ये सारी मिलनी की है गाइस। आदू का तो मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसे ऐसी है मिलनी। तो इधर हो गया गाइस, तो इधर हो गया गाइस हम भी खड़े हुए थे, इधर मेरा फोटो भी आया हुआ है। लाइट बढ़ रही है। इधर आ गए दूल्हे की सालियाँ गाइस, जैसे वेलकम करते हैं ना, तो ये दूल्हे की सालियाँ आ गई। और इधर जो है वो मिठाई खिला दी दूल्हे को दूल्हे की साली ने। और इधर रिबन कट हो रहा है, एंट्री हो रही है दूल्हे की। तो गाइस ये दूल्हे की सासू माँ आ गए और इधर एंट्री हो गई हमारे। और इधर जो है साला जीजा के पैर धोता है, फिर नेक मिलता है साले को। ये सब हो गया गाइस, अभी होगी दुल्हन की एंट्री। तो ये सब कुछ हो गया, अभी दूल्हा नमस्कार कर रहे हैं मेरा भाई। तो गाइस अभी जो है दूल्हे के पापा आते हैं सबसे पहले जो है, फिर वो कुछ पंडित वगैरह बोलते हैं, पूजा पाजा होती है। तो इधर मैं और मेरे फौजी साहब को भी हार पहनाया हुआ था। तो मैंने साड़ी पहन ली थी गाइस, इधर देखिए। और अभी जो है वो दुल्हन की एंट्री होगी गाइस, आप देखना दुल्हन की एंट्री होगी गाइस। ये देखिए दुल्हन ऐसी लग रही थी, दुल्हन हमारे भाभी, ये दुल्हन के मम्मी पापा। गाइस देखिए हिमाचल में आप देख बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार कितना बड़े बड़े नाक में डालते हैं, क्योंकि गाइस मेरे महाराष्ट्र में फैमिली आई थी ना, ये बड़ा अच्छा फोटो आया भाभी का। देखिए गाइस मासूम जैसे। तो गाइस मतलब बड़े बड़े सोच रहे थे वो कि मतलब ये क्या पहना हुआ यार इतना बड़ा, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलता है ना गाइस ये। तो ये देखिए गाइस इधर भी गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसे पूजा होती है। ये देखिए और गाइस इधर जो है कन्यादान हो रहा है, ये देखिए ऐसा होता है हिमाचल में कन्यादान, हाथ पीले होते हैं, फिर दूल्हे के हाथ में दिया जाता है बेटी का हाथ बांध बूंद के। तो इधर आ गए थे और ये सब रस्में थी, पानी पुनी वो तो मुझे भी समझ नहीं आती है गाइस आदि जो है। तो ये आ गया दुल्हन का अलग से फोटो गाइज। अभी तक मेरी मतलब शादी के एल्बम भी बाकी है, तो वो भी दिखाएंगे आप सभी को जो हमारा श्रम हम देते। इधर चल रहा था स्टेज का कार्यक्रम, तो वरमाला जैसे बनाते हैं ना गाइज, देखिए वरमाला ली हुई है हाथ में, मैंने ही पसंद की हुई थी भाई की वरमाला। इधर वरमाला जो है पहन ली है, ये देखिए बड़े बड़े फोटो। अभी इधर जो है रिंग भी पहना रहे थे एक दूसरे को, बहुत दिनों से चल रहा था गाइज आप सभी का कि प्लीज़ अभी एल्बम आ गया है बता दो दिखा दो हमें। तो गाइज ये जो है वो दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट मिलते हैं इधर भी स्टेज में, मतलब जो पैसे देता है वो पैसे देता नहीं तो कोई गिफ्ट देता है। जैसे देखो गाइज इधर रखी हुई है गिफ्ट, गिफ्ट भी देता है दूल्हे की सालियाँ हैं सब, ये देखिए। तो ये मेरे पापा आ गए थे,
पापा ने उनको आशीर्वाद का 500-500 रुपए दिए थे, ऐसे दिख रहा है कुछ। तो गाइज मैं भी आई हूँ इधर कहीं, तो ये दुल्हन की साइड के गाइज, तो इतना मुझे नहीं मालूम है कौन कौन है। मैं भी आई आऊंगी इधर गाइज कहीं, तो ये गाइज मेरे जेठ जेठानी आए हैं। और हम कहाँ गए, हम कहाँ घूम गए। तो गाइज इधर होंगे अभी फेरे। तो गाइज ये दिया हुआ था भाभी को मंगलसूत्र पहना दिया भाई ने, और ये गाइज ये दिया हुआ दुल्हन को ऐसे देते हैं गाइज, नेकलेस वो सब, पर्स सूज वगैरह सब देना पड़ता है, चूड़ा सूट वगैरह गाइज, ऐसा रिवाज है हिमाचल में। तो ये भाई की भाभी की मामा का लड़का है। और गाइज ये देखिए इधर भर रही है मांग। तो पहले मंगलसूत्र पहनाते हैं गाइज, फिर जो है मांग भरवाते हैं। तो मांग भर दी अभी दुल्हे ने, अभी इधर जो है इधर दुल्हन को गिफ्ट मिलेंगे गाइज, ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये भी मेरे पहचान के नहीं है गाइज, देखिए अभी हम आगे ही चलते हैं। ये दुल्हन की चाची है गाइज, ये नहीं मालूम। गाइज देखे दुल्हे के पांव छू रही थी दुल्हन, ये दुल्हे के फ्रेंड पीछे खड़े हुए सब हंस रहे थे, बहुत मजाक के गाइज, मेरे साथ तो बहुत मजाक चल रहा था इनका। ये देखिए दुल्हे के फ्रेंड जो आए हुए थे उन्होंने गिफ्ट दिया हुआ है। इधर खाना खा रहे हैं गाइस दुल्हा, और गाइस इधर फिर से मांग भरवाई जा रही है, ऐसा ही रिवाज है गाइस। देखिए मैं भी खड़ी हूँ गाइस एक साइड में, एक कोने में पड़ी हुई हूँ। और गाइस इधर हो रही है दुल्हन की विदाई, देखिए दुल्हन का चेहरा जो है अभी रोने के जैसा हो गया है। ये देखिए अभी दुल्हे को जो है गाइज इधर भी गिफ्ट मिलते हैं सबके, दुल्हे के तो मजे ही मजे हो गए, दुल्हन के भी और दुल्हे के भी शादी में। गाइज इधर रो रहे हैं भाभी, अभी आ जाएंगे हमारे ससुराल में भाभी के साथ। तो गाइज देखिए इधर भी दुल्हे के दुल्हन के मामा ने उठाया हुआ है दुल्हन को, तो इधर सबसे जो है मिलन हो रहा है दुल्हन का, और इधर जो है डोली में उठा लिया है, और इधर गाड़ी में बैठ गए हैं दुल्हन, और ये आ गए हमारे घर में गाइस। तो ये स्वागत कर रहे थे दुल्हन का, तो रंगोली वगैरह सब बन चुकी थी और पहुंच गए गाइस। ये देखिए हम सभी, तो अभी जो है गाइस ये देखिए दुल्हन आ गई अभी, तो दुल्हन का भी जो है ना गृह प्रवेश होगा गाइस, पहले पूजा पूजा होगी, फिर ये देखिए गाइस इधर रंगोली में खड़े हो गए, और इधर जो है मम्मी लेके आ रहे हैं दुल्हा दुल्हन को। ये गाइस ये देखिए गृह प्रवेश हो गया दुल्हन का, मैंने ही सजावट की हुई थी गाइस सब कुछ जो है, वो दिए नहीं आए मैंने, साइड में दिए भी लगाए हुए थे। इधर पाँव जो है छाप लगाएगी भाभी, देखिए ऐसी इधर लगाई हुई है छाप, और घूंघटा डाले हुए गाइस, घूंघटा नहीं दिखाते हैं अभी तक। फिर गाइस सब जो है बारी बारी से जो है घूंघटा देखेंगे। तो गाइस इधर थी अंगूठी ढूंढने की रस्म, तो ये देखिए गाइस भाभी को मिली सोने की अंगूठी, और भाई को मिली चांदी की अंगूठी। तो इधर मुँह दिखाई हो रही थी गाइस दुल्हन की, तो देखिए गाइस ऐसे दिख रही दुल्हन। इधर मम्मी ने भी देखा है दुल्हन का चेहरा, मतलब जब दुल्हन का चेहरा देखते हैं ना गाइस, तब मतलब दुल्हन को जो है वो नेक देते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने भी देखा हुआ था दुल्हन का चेहरा, देखिए ये मतलब जो भी हमारे मेन रिश्तेदार है गाइस वो सब दुल्हन का चेहरा देखेंगे। ये देखिए ये मेरे सासू माँ ने देखा हुआ था दुल्हन का चेहरा, 500 रुपए पकड़ा हुआ है हाथ में, नानी ने अंगूठी दी है गाइस, ये देखिए। और इधर फिर से रस्म हो गई स्टार्ट। कई इधर हिमाचल में क्या होता है कि मतलब जैसे तीन फेरे जो है दुल्हन के घर में होंगे ना, तो फिर अगले फेरे जो है गाइज वो फिर ससुराल में होते हैं। तो गाइज मैं आ गई इधर, मेरे बहुत क्यूट से फ़ोटो निकाले मैंने ना गाइज, गुजराती स्टाइल में साड़ी लगाई हुई थी, ये देखिए मैं हूँ। और गाइज ये देखिए मेरी मामियाँ हैं, जो मेरे महाराष्ट्र मामियाँ, मतलब मेरे फौजी साहब की मामियाँ, दो मामियाँ नहीं आई थी गाइज, चार मामी सासू हैं मुझे। तो इधर भी कुछ ऐसी फ़ोटो लिए हुए हैं। तो ये देखिए गाइज इधर होते चार फेरे फिर बाद में,
थे। फिर ये कुछ रस्म होती है गाइस, ये देखें इधर मैं भी बैठी हुई हूँ, ये देखिए गाइस। अभी भाभी को जो है ना गाइस भाई ने उठा लिया था और डांस कर रहे थे जोर शोर से, तो इधर भी पाँव छू रहे हैं भाभी और मैं भी डांस कर रही थी गाइस। देखिए अरे गाइस ये देखिए मेरे फौजी साहब के साथ कितनी की वजह से फोटो आई है। देखिए ये वाले आइए, हम ना जंगल में जाके गाइस ये शूट किए हुए थे फोटो जो है, ये देखें इसके ऊपर मैं पहले भी ब्लॉग बना बैठी हूँ गाइस। और फौजी साहब देखिए कैसे लग रहे हैं ये फौजन फौजी और फौजन गाइस, मैं बहुत गब्बू गब्बू सी हो गई ना अभी। ये पप्पा है, पप्पा का कितना अच्छा फोटो आया है। तो इधर फैमिली की फ़ोटो है गाइस, बस हो गया अभी एंड। तो ये फैमिली फैमिली की फ़ोटो है, मेरे चाचा चाची है गाइस। ये देखिए गाइस मेरे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बार देखूँ इनको। ये देखिए मेरे मम्मी, मम्मी को साड़ी पहनाई हुई थी हमने। ये मेरे जेठानी है, जेठ, वो सब पूरी फैमिली फैमिली की फ़ोटो है अब तो। ये मेरे सासू माँ है गाइस, ये देखिए गाइस इधर इधर मेरा आशीर्वाद ले रहे थे भाभी। देखिए गाइस इधर लास्ट में, सबसे ज़्यादा लास्ट में जो ये रस्म होती है, दुल्हन जो है पाँव छूती है और दुल्हन को पैसे मिलते हैं। तो गाइस जी महाराष्ट्र में भी होती है, मेरे सासू माँ और ससुर जी के पाँव भी पड़े थे, बारी बारी से सबके पाँव पड़े हुए हैं। ये देखिए इधर पैसे इकट्ठा हो गए थे भाभी को। तो गाइज फिर जो है दुल्हन की तरफ से जो है वो उसकी उनके मम्मा मामी मासी सब आते हैं मिलने के लिए। तो ये उनकी मिलन ही हो रही है गाइज, ये पापा पापा, ये देखिए गाइज ये आ गई दुल्हन, दुल्हन की फोटो, ये देखिए गाइज पूरा पे दुल्हन है। तो गाइज अभी होगी एंडिंग। तो गाइज ये देखिए स्टार्टिंग में भी है, देखिए दुल्हन काला काला चश्मा, काला काला चश्मा, कितनी सुंदर आई ना गाइस। तो द एंड गाइस, अभी हो गई है एल्बम पूरी। तो ये हो गया है गाइस अभी खत्म। तो गाइज़ आप सभी को कैसी लगी हमारी एल्बम जो है, एल्बम के फ़ोटो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों मुझे भी। और थोड़ा लॉन्ग हो गई है वीडियो को, तो स्किप करके मत देखिएगा, तब आपको इंटरेस्ट ज़रा भी नहीं रहेगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तब आपको अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।